हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो टाइटल और थंबनेल में लिखा हूँ बिल्कुल सच्चाई है। आप इसे कोई झूठ न्यूज़ फेक न्यूज़ समझ के इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई बोलते हैं कि नहीं, ये तो गलत न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ नहीं मिलता है तो ये आपकी गलती है। बट दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई रूल है, टर्म है, कंडीशन है, यहाँ पे हर कंट्री का अलग अलग लेबर लॉ होता है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मेरे वर्कर भाई को मिलता भी है। जैसे हम जिस कंपनी में काम करते हैं, मुझे मिलता है, हजारों लोग मुझसे कम से कम 60,000 वर्कर भाई जुड़े हुए हैं, तो 50% 60% लोग हैं जिसको मिलता है, और 40% है जिसको नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है दोस्तों, तो उसकी गलती है, कंपनी की गलती बिल्कुल नहीं है। तो आपको जैसा मैं बताया दोस्तों कि एक साल में 90 दिन का छुट्टी देने का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और सभी को मिलना चाहिए। अगर कंपनी 90 दिन की छुट्टी नहीं देती है दोस्तों, तो आप ह्यूज अमाउंट कंपनी पर फाइन आ सकता है और आप कंप्लेन कर सकते हो, आप अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तो देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, आप लोग भी बोल रहे हो कि भाई ने ये क्या बता रहा है, तो टोटल मैं जोड़कर बता रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह से मिलता है। तो पहला दोस्तों देखिए, यहाँ पे वीकली एक छुट्टी देना लाजिम हर वर्कर को ज़रूरी है। एक महीने में 4 संडे आता है, क्योंकि पहले जुमा को छुट्टी होता था यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, बट अब दोस्तों संडे को ज़्यादातर छुट्टी होता है। तो देखिए, एक महीने में 4 संडे आता है, तो 48 छुट्टी तो आपको यूं ही मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। छुट्टी मिल रहा है, वो भी पेड लीव है, उसकी पैसा दोस्तों कंपनी को देना है। पेड लीव का मतलब वही होता है, पैसे उसको देना है, वर्कर को जो छुट्टी है उसका पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। 48 छुट्टी हो गया, एक साल में एक महीने का लीव सैलरी और विथ छुट्टी वो देने का हर कंपनी को गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। बस जब तक दोस्तों एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है, जिसमें हम लोग इंग्लिश और अरबी में साइन करते हैं, ठीक है, फिंगर भी लगाते हैं, तो हो गया दोस्तों। तो आप समझ लो 50 और 30, ऐसे समझ लो दोस्तों 50 और 30 हो गया 80, और बाकी दोस्तों 15 से 16 छुट्टी दोस्तों ऐसे हॉलीडे होता है, ज़्यादा हो जाता है कम नहीं होता। टोटल मतलब कम से कम दोस्तों 90 दिन का छुट्टी, मतलब एक साल में 3 मंथ का छुट्टी यहाँ पे वर्कर को मिलना चाहिए। अगर आपकी कंपनी नहीं मिल रही है तो फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करते हो कि भाई ये रूल नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, मुझे तो कंपनी नहीं देती है। तो आपको इसके लिए हक के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा। हम लोग का कंपनी देती है, और बहुत सारे आपके भी जानने पहचाने वाले लोग हैं जिनको जो मैं चीज़ बताया कि महीने में 4 छुट्टी होती है कि नहीं, ये आप पहले बताओ। आपको एक साल में 1 महीने का छुट्टी देने का राइट है कि नहीं, क्योंकि दुबई लेबर लॉ के हिसाब 2 साल में 2 महीने का छुट्टी मिलेगा, वो अलग हो गया दोस्तों। और हॉलीडे में जो गवर्नमेंट अलाउंस करती है, जैसे कि ईद हो गया, बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, और यहाँ पे नेशनल डे हो गया, ये सब चीज़ है दोस्तों, न्यू ईयर हो गया, ये सब का छुट्टी मिला के 15-16 छुट्टी होता है। मतलब कम से कम 90 छुट्टी आपको देना ही पड़ेगा। आपकी कंपनी देती है कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके दोस्तों कि हाँ आपकी कंपनी दे रही है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ बात हम लोग एक ऑनलाइन ही सहारा है दोस्तों, जो हम लोग अपना आवाज़ दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो आप अपने कंपनी का नाम जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपके कंपनी के बारे में मैं आगे वीडियो में बता सकूं। क्योंकि देखिए, ये ऑनलाइन ऐसा चीज़ है कि कौन सा वीडियो कब किसके पास चला जाए ये कोई भरोसा नहीं है। और ये वीडियो दोस्तों शेयर किया जाता है क्योंकि वर्कर की बात हो रही है, ये वर्कर की हक की लड़ाई की बात हो रही है। ये सब चीज़ अगर मिनिस्ट्री तक पहुँच जाए तो वो लोग देखते हैं कि हाँ आखिरकार वर्कर ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में क्या क्या लिखा है, किस कंपनी के बारे में लिखा है। तो उस कंपनी में अगर कंप्लेन आप नहीं भी करोगे दोस्तों, तो उस कंपनी के खिलाफ ये लोग एक्शन ले सकता है। तो ये वीडियो अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, ताकि इसे और भी फैलाया जाए इस तरह का बात को। आप लोग शेयर करते नहीं हो दोस्तों, एक शेयर में क्या जाता है दोस्तों, आप लोग के लिए भी हो सकता है, जो वर्कर नए आने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये हक की बात हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। और कोई भी सवाल रह जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाएगा, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कॉमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। जब तक जय हिंद।